औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हमने पहले एक्सप्रेशन के बारे में जाना, लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना, और मैंने आपको पहले भी बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन कराऊंगा। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7। और इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन जो है इसका पावर जो है वो 1 है। इसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 7, यहाँ पर ये माइनस टू है, जब ये राइट साइड में जाएगा ये प्लस टू बनेगा, एक्स विल बी इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें क्या एक्स का वैल्यू निकला? 9। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 10। वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसी तरह जिस तरह से हमने पहले पार्ट में किया, इसी तरह से हम यहां पर भी करेंगे। y is equal to 10, यहां पर ये लेफ्ट साइड में 3 जो है ये पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड में जाएगा ये माइनस बनेगा, माइनस 3। y will be equal to 10 में से हम 3 निकालेंगे, 10 में से 3 जब हम निकालेंगे तो वहां पर क्या रहेगा? 7। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 6 is equal to z plus 2. 6 is equal to z plus 2. यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर x plus 3 जो था वो लेफ्ट साइड में था, अब x plus 2 जो ये राइट साइड में है। सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 6 ये यहां पर जो 2 है ये पॉजिटिव है राइट साइड में, जब नेगेटिव साइड में जाएगा तो ये माइनस बनेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 में से जब हम 2 निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर 6 माइनस 2 तो ये 4 रहेगा, 4 इज इक्वल टू 0, और z विल बी इक्वल टू 4। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7 इज इक्वल टू 17/7। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया है, यहाँ पर सिंपल इक्वेशंस थी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर रैशनल नंबर 3/7 रैशनल नंबर है, 17/7 रैशनल नंबर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में 17/7 है, ऐसे ही रखेंगे हम। जो लेफ्ट साइड में 3/7 है ये पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड में जाएगा ये क्या बनेगा? -3/7। अब यहां पर देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो साइन बीच में होगी, तो यहां पर जो साइन है वो माइनस है, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होगी। एक्स विल बी इक्वल टू 17-3 डिवाइडेड बाई 7। इन दो में से सिर्फ हम एक 7 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम एक ही लिखते हैं। एक्स विल बी इक्वल टू 17 में से 3 जब हम निकालेंगे कितना बचेंगे? 14/7। एक्स विल बी इक्वल टू 2/7। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे ताकि हम इसको
जिस तरह हम कहते हैं कसर काटना, इसी तरह हमने यहाँ पर जो है फैक्टर निकाले, फैक्टर से हमें आसान होती है दिस सेवन और दिस सेवन कट, एक्स विल बी इक्वल टू टू। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव जो है सिक्स जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व, z is equal to 12। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये 6 जो है यहां पर ऐड था, सब कहीं पे सबट्रैक्शन थी, कहीं पे ऐड था। अब यहां पर जो है z के साथ जो 6 है ये मल्टीपल है, जब भी कोई मल्टीपल होगा वो राइट साइड में डिवाइड होता है, अगर डिवाइड होगा तो वो मल्टीपल होता है। यहां पर हम लिखेंगे z is equal to 12 divided by 6, क्योंकि ये z के साथ मल्टीपल है तो राइट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा, तो z will be equal to 2 into 6, 2 6 are 12 divided by 6, this 6 और this 6 ये कट हो जाएगा, z will be equal to 2। तरह से हमने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह कल जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी क्वेश्चन दिखाएंगे। अब तक के लिए जाए, अस्सलाम वालेकुम।